बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं गाड़ियों काफी शौकीन है। और मैं आपको बता दूं, महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियां हैं उसके अंदर एक से एक नई फीचर के साथ गाड़ियां आती हैं। और एक मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो 2022 वाले एडिशन को बदलने वाली है, जिसके चलते ज्यादातर लोग 2022 वाले स्कॉर्पियो को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। इंटरनेट पर इस वक्त स्कॉर्पियो के नए मॉडल की तस्वीरें काफी वायरल हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो तस्वीरें सामने निकल के आई हैं वो लोगों को कुछ ज्यादा पसंद आ रही हैं। इस गाड़ी के अंदर जो सीट है थोड़ी ऊंची दी जा रही है। दरअसल गाड़ी के इस वक्त स्पाइड इमेज बाहर निकल के आ रही है, मतलब टेस्टिंग के दौरान जो फोटो ले लेते हैं ना वो निकल के आ रही है। इस गाड़ी का अंदर की तरफ फ्रंट फेसिंग 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो कि टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। और इसके साथ ही महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 एडिशन 6 सीटर और 7 सीटर ऑप्शन में आएगी। गाड़ी का सिस्टम लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है। इस गाड़ी के अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों मिलेगा आपको। और इसके साथ ही अगर आप लोग स्कॉर्पियो में एलेक्सा कनेक्ट करना चाहते हो 2022 वाले एडिशन के अंदर, तो इसके लिए भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर 360 डिग्री कैमरा लगा होगा और इसके साथ ही इसके अंदर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलेगी आपको। और जो नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो आएगी वो पहली गाड़ी के मुकाबले ज्यादा सेफ और मॉडर्न होगी, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज, क्योंकि इसको Gen 3 प्लेटफॉर्म में बनाया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो ये 2022 वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो है ये कब लॉन्च हो सकती है, तो ये वाला जो मॉडल है स्कॉर्पियो का 2022 वाला, ये दिवाली के पास लॉन्च हो सकता है। बाकी कंपनीज के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन देगी तो अपने चैनल पर डाल दूंगा। अगर आप लोगों को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड, तो भी आपको लाल बटन दिख रहा है ना जो सब्सक्राइब वाला, हाँ वही वाला, उसे तोड़ दो, कबड्डी खेलो, कुश्ती खेलो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं अवेलेबल से डालता रहता हूँ। बाकी इस वीडियो से वित्त का वीडियो अच्छी लगी, मीटिंग लगी तो आपको पता है क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तुम देख लो, बाय बाय, टेक केयर।